फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम इन 5 फाइलों में जो अलग अलग डेटा है उसे हम कैसे एक ही फाइल में मर्ज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वर्ड की फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया। उसके बाद हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पर। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स वाले ग्रुप में एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑब्जेक्ट का, बस इसी पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमारी फाइल डेस्कटॉप पे MIS फोल्डर था। ये जो 5 फाइलें हैं इसमें अलग अलग डेटा है, इसे हमें कंबाइन करना है। यदि आपके पास भी ऐसी ही कोई फाइल्स हैं जिन्हें आपको कंबाइन करना है तो आप सबसे पहले उन्हें सीक्वेंस में कर लीजिएगा ताकि ये जो फाइल्स है उसी सीक्वेंस में अरेंज हो जाए। तो चलिए अब हम इसको सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यह देखिए हमारी फाइल का डेटा कंबाइन हो चुका है एक ही फाइल में और सेम टू सेम फॉर्मेटिंग में ये आ गया है। तो आप भी इस मेथड को यूज करके अपने टाइम को सेव कीजिए। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।